Clear नहीं है। Hello everyone, to our series, कोशिश करते हैं तो फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने कैसे कॉल क्या होता है पुट क्या होता है कौन से मार्केट सीनारियज में हमें क्या बाय करना चाहिए वो समझा था और उसमें हमने ऑप्शन चेंज थोड़ी बहुत समझी थी बट तब हमें काफी सारे डाउट्स आए थे कि उसके प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है कि उसमें डेल्टा क्या होता है थीटा क्या होता है ग्रीक्स क्या होते हैं तो और उसी के कमेंट्स भी हमने पढ़े थे जब हमने सारे कमेंट्स पढ़े तो हमें पता पड़ा कि ग्रीक्स की सबसे ज्यादा डिमांड है तो इस वीडियो में हम ग्रीक्स कवर करने का ट्राई करेंगे जैसा आप सभी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था आप सभी तक ये वीडियोज लाने के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन होता है ऑल्सो आप कॉमेंट करना ना भूलिएगा क्योंकि वही कॉमेंट से हमें पता पड़ता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको कहां पे डाउट आ रहा है और ये ऑप्शन की जो हमारी सीरीज है हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो जो भी चीजों की ज्यादा क्वेरी आएगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आप सभी के लिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्शन ग्रीक्स पे रहेगा तो वापिस हम ज्योति मैम के साथ आ गए हैं कि ज्योति मैम पिछली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई सभी को और आपका पढ़ाने का जो तरीका है जो सिंपलिसिटी से आप समझाते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है सभी को तो आज आप हमें ग्रीक समझाइए जो सबसे ज्यादा हमारे ने डिमांड किया है। जब मैं स्कूल में थी तब भी ग्रीक्स था अगर आपको याद होगा यस। मैं जैसे तैसे बचके निकल गई कॉलेज आई कॉलेज में भी ग्रीक्स था अल्फा, बीटा थीटा, थीटा ये सब कुछ थे वहां से भी मैं के निकल गई लेकिन जब यहाँ पे आई इस मार्केट में जब ऑप्शन स्टार्ट हुए यहां पे भी जब ग्रीक्स देखा तो मेरे तो होश उड़ गए सच में कि मैंने कहा ये ग्रीक्स मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे लेकिन चलो वहां तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव था कि मार्क्स स्कोर करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट थे रट्टा मार के भी मैंने मार्क्स स्कोर कर लिया लेकिन यहाँ पे तो बात पैसों की थी तो ग्रीक समझना जरूरी था अब जितना मैं ग्रीक्स को समझने की कोशिश करती थी उतना ही वो टफ होते जा रहा था बिकॉज इसके जो फार्मूलाज हैं वो इतने कड़क हैं कि इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फिर स्लोली स्लोली मैंने उसको ब्रेक किया अपने तरीके से उसको समझा और आज मैं अपने तरीके से जो मैंने समझा है वो समझाने की कोशिश करती हूँ जो मैंने बुक्स में भी पढ़ा है सब कुछ पढ़ा है उसके बाद मार्केट में भी देखा है और फिर फाइनली मैंने उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश की और जिस दिन समझने की कोशिश की वहां से मुझे ग्रीक्स अच्छा ही अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा लगने लग गया सो लेट अस स्टार्ट विथ ग्रीक्स श्योर मैम जो हमारे मेन ग्रीक्स हैं पहला है डेल्टा डेल्टा में पहला वर्ड क्या है डी तो डी इज इक्वल टू डेल्टा ओके डी इज इक्वल टू डायरेक्शन कैन आई से मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या चीज ऊपर जाएगी कॉल और क्या चीज नीचे जाएगी पुट तो पुट नीचे राइट right? यस yes. और अगर मार्केट नीचे गया तो क्या चीज नीचे जाएगी कॉल और क्या चीज ऊपर जाएगी पुट अब सबसे पहली चीज ये देखो कि ये जो है कॉल ये बहुत सीधा है जिस डायरेक्शन में मार्केट जाता है ये भी उसी डायरेक्शन में जाता है मार्केट ऊपर तो ये भी ऊपर मार्केट नीचे तो ये भी नीचे मतलब ये डेल्टा के साथ चलता है इसके लिए इसका डेल्टा हमेशा पॉजिटिव दिखेगा yes, और पुट जो है है वो उल्टा बिहेव कर रहा मार्केट नीचे जाने से वो बढ़ता है पुट yes. बढ़ता है और मार्केट ऊपर जाने से पुट गिरता है yes. तो इसलिए हमेशा कॉल का डेल्टा आपको पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा और पुट का डेल्टा नेगेटिव मिलेगा okay. अब डेल्टा का मतलब क्या होता है हम ये कहते हैं कि इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है बढ़ने की hmm. कोई भी चीज है ऑप्शन हो या कुछ भी चीज है हम जब वर्ड रुपये में पैसे में या फिगर्स में आता है तो हम एक वर्ड कॉमनली यूज करते हैं वो है प्रोबेबिलिटी ओके सो व्हाट वी से इतनी प्रोबेबिलिटी है फिफ्टी फिफ्टी की प्रोबेबिलिटी है फोर्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी है ट्वेंटी परसेंट प्रोबेबिलिटी है हंड्रेड परसेंट प्रोबेबिलिटी है क्या हम हंड्रेड से ज्यादा बोलते हैं टू हंड्रेड परसेंट प्रोबेबिलिटी है ऊपर तो कुछ नहीं होता अच्छा अब आते हैं दूसरी एक और चीज जो मैंने स्कूल में सीखी थी आई डोंट नो सबको कितना याद है तुमको भी कितना याद है आर अपॉन हंड्रेड जब हमको इंटरेस्ट फिगर निकालना होता था या प्रोबेबिलिटी निकाल तो क्या हम आर अपॉन हंड्रेड फॉर्मूला यूज करते थे मतलब अगर ट्वेंटी परसेंट है तो ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड Which is equal to, हम point लिखते थे। याद आया कुछ मैम yes, yes, याद आया ना तो ये पॉइंट टू जीरो मतलब ट्वेंटी परसेंट मैम राइट तो अब हम आते हैं ऑप्शन पे देखिए हमारे पास ए टी एम ऑप्शन है आई टी एम है इनमें मैं दो कैटेगरी और एड कर देती हूँ okay. एक दूर Okay. दूर मतलब बाहर आउट दूर मतलब फार हाँ तो क्या मैं लिखू फार ओ ओके okay. एक ओ टी एम है और एक फार ओ है ओके okay. वैसे ही बहुत अंदर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं डीप डीप इन मनी कर देते तो डीप आई टी एम ओके राइट अब ये एक लाइन है ये वन है ये माइनस वन है माइनस वन क्यों पुट का डेल्टा नेगेटिव है तो पुट में हम माइनस हंड्रेड परसेंट ही करते हैं ओके। okay. और कॉल में हम प्लस वन मतलब प्लस हंड्रेड परसेंट जब मैं हंड्रेड परसेंट की बात करती हूँ मतलब अंडरलाइन या कैश प्राइस जितना चेंज होता है उसके उतने ही परसेंटेज पे प्रीमियम चेंज होगा मतलब अभी मेरा कोई ऑप्शन है जिसका डेल्टा 20 है okay. मतलब वो 20 परसेंट हुआ हाँ. तो टेन रुपीज चेंज होने से हुँ. वो प्रीमियम कितना चेंज होगा जिसका 20 परसेंट दो रुपया मैम दो रुपया कैसे निकाला तुमने 10 का 20 परसेंट कर लिया मैम राइट तो ये क्या हुआ ये एक प्रोपोर्शनेट वे में हो गया okay. जो हर स्ट्राइक प्राइस को एक डेल्टा वैल्यू होती है अच्छा तो हर स्ट्राइक प्राइस की एक अलग डेल्टा वैल्यू होती है हाँ अब उसकी रेंज में आपको देती हूँ कि रेंज है ना एटीएम की जो है वो अप्रोक्सीमेटली okay. अच्छा ठीक है और आईटीएम की पॉइंट सिक्स से पॉइंट एट okay. मतलब एटी परसेंट एटी परसेंट डीप आईटीएम की ये ये सब पॉजिटिव साइन खाली आपको इक्वल टू करके दे रही हूं okay. से 1. 1 मतलब 100%. 100%. तो आप देखते होंगे कि कुछ डीप इन द मनी ऑप्शन है तो जितना अंडरलाइन चेंज हो रहा है प्रीमियम उतने का उतना चेंज हो रहा है कभी कभी आप ऐसा देख रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस लेना से करंट मार्केट प्राइस जो है वो सत्रह सो है आपने अठारह का कॉल खरीदा और दस रुपया बढ़ गया आपका ऑप्शन पांच पैसा भी नहीं बढ़ा। ओके। okay. ऐसा देखा है कभी होता है मैं, हाँ. तो उसका मतलब क्या है वो फार ओटीएम है। yes. तो अब ओटीएम की डेल्टा वैल्यूज़ क्या आएगी रफली पॉइंट टू जीरो से पॉइंट फोर okay. ओके जीरो से लेके पॉइंट टू जीरो okay. तो ये रहा बीच में जीरो इसके लिए ये फार ओ है इसके लिए ये फार ओ है ओके ओके सो दिसम कॉल एंड पुट राइट अब इसमें क्या होता है कि अज्यूम करो ये मैंने कोई स्ट्राइक खरीदा OTM का का जिसकी डेल्टा वैल्यू पॉइंट थ्री फाइव है मतलब कितना हुआ ये थर्टी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट दस रुपया अगर प्राइस चेंज हुआ हाँ। तो कॉल कितना बढ़ेगा साढ़े तीन रुपया कैसे निकाला थर्टी फाइव परसेंट ऑफ टेन रुपीज टेन इंटू थर्टी फाइव परसेंट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव यस और टेन इंटू पॉइंट थ्री फाइव इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव अगर सिंपल तरीके से भी लू तो यस yes, मैम राइट अब मैं आपको धन के ऐप पे बताती हूँ ठीक है ये एक ऑप्शन चेन है yes. क्या आपको इस ऑप्शन चेन में डेल्टा दिख रहा है yes, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दिखाते हो देखिए फॉर द टाइम बिंग मैंने हुँ. बड़ा रेंज नहीं लिया है छोटा सा रेंज लिया है राइट तो ये आपका करंट मार्केट प्राइस है कर, और ये आपका एटीएम है yes. मैंने एटीएम का डेल्टा कितना बताया था पॉइंट फोर से पॉइंट पॉइंट फोर से पॉइंट सिक्स ये रहा आपका डेल्टा कितना है पॉइंट फाइव एट फाइव मतलब मैं. है पॉइंट फोर एटीएम का डेल्टा पॉइंट फोर से पॉइंट फो सिक्स के बीच में है यस मैम अब ये जो है ये थोड़ा सा ओटीएम है यस ये फार ओटीएम है इसका डेल्टा देखो जीरो पॉइंट टू राइट अब यहाँ पे हम इंदा मनी जा रहे हैं इसका डेल्टा देखिए इंदा मनी का 0.73 मतलब 0.6 से 0.8 के बीच में है yes और इन द मनी जाऊंगी तो 0.8 तो से 1 तक चला जाएगा राइट right. अब इसका मतलब क्या हुआ आज जैसे मान लो ये स्टॉक था ये स्टॉक 120 से 125 तक चला हम्म तो लेटेस्ट से पहले मैं एक बार बेस से पकड़ रही हूं तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम कितना था लेटेस्ट से यहाँ का प्रीमियम था वन ओके राइट लेट वन का प्रीमियम था या वन पॉइंट वन जीरो प्रॉब्लम इसका डेल्टा कितना है पॉइंट फोर मॉर्निंग में थोड़ा दूर था इसलिए पॉइंट फोर के आसपास का डेल्टा hmm. रहेगा अगर ये पांच रुपया बढ़ता है तो ये प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए पांच का पॉइंट फोर सीधा सीधा हिसाब लगाओ फाइव इन टू पॉइंट फोर कितना होना चाहिए दो रूपए यस मैम टू रुपीज फोर फाइव मतलब मॉर्निंग इसका डेल्टा और भी कम होगा ओके okay. अब यहां से जब वो एक रुपया बढ़ेगा तो ये थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा यस yes. इसमें थोड़ा सा और कुछ भी रिड्यूस हुआ है वो नेक्स्ट डेरिवेटिव पे आते ओके राइट okay. right? ये देख लिया आपने अब इसके साथ ही क्या यहाँ पे मुझे क्या डेल्टा दिख रहा है माइनस पॉइंट फोर मैम और यहाँ का कितना है प्लस पॉइंट फाइव इन दोनों का टोटल लगाओगे तो वन होगा ओके okay. इनको माइनस yes. मत करना hmm. ये टोटल है वन मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अगर मैं कंबाइन करती हूँ कॉल और पुट का तो वो वन कहलाता है आप कहीं भी देख लो यहाँ पे अगर फोर्टी फोर है, तो यहाँ, 56 है? तो यहाँ पे फिफ्टी सिक्स होगा क्या है राइट अगर यहाँ पे सेवेंटी थ्री है तो यहाँ पे ट्वेंटी सेवन होगा क्या है तो ये वन के आसपास होता है मतलब क्या होता है कि जितना मूवमेंट अपसाइड कॉल का बढ़ेगा तो पुट का उसी इसके हिसाब से गिरेगा okay. अगर मार्केट ऊपर गया तो मार्केट नीचे गया और uh -huh. मैंने पुट खरीदा तो पुट इतना बढ़ेगा कॉल उतना गिरेगा सो दिस इज द बेसिक डायरेक्शन का मूवमेंट यस। यू क्लियर? यस मैम इसीलिए पुट का डेल्टा नेगेटिव कॉल का डेल्टा पॉजिटिव ओके okay. अब ये जो होता है इसको चेंज आप देखते हो जैसे 44 है फोर्टी फोर जैसे से इन द मनी होते जाएगा या एट द मनी होते जाएगा तो फिफ्टी एट हो गया hmm. उसका जो है सेवन इसको चेंज करता है गामा okay. गामा ओके लेकिन को हम इतना ज्यादा अभी फिलहाल नहीं देखते हैं एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट वो जो बहुत बड़े एच एन आईज या आर्बिट्राज करते हैं या डेल्टा हेजिंग करते हैं उनको गामा को कंट्रोल करना पड़ता है जो बड़ी बड़ी लॉट्स में शॉर्ट करते हैं वो लोग गामा को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि गामा फट जाता है ये कॉमन लैंग्वेज है गामा फट जाता है एक्सपायरी पे अब तो उसकी वजह से लॉस होता है वो उसका रीजन ये है कि गामा अगर एक्सप्लोड हुआ मतलब डेल्टा जो है वो आई के पास में आना शुरू हो जाएगा और जैसे ही okay. डेल्टा द मनी होते जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम और फास्ट बढ़ेगा yes. तो वो गामा जो है वो डेल्टा को द मनी की तरफ ला रहा है तो मतलब गामा एक्सप्लोड हुआ है Hmm. Is is yes, so, अंडरलाइन जो है जो भी एसेट है वो दस रूपए बढ़ रहा है तो उसके प्रपोर्शन में मेरा कितना ऑप्शन बढ़ेगा तो so, अगर दस रूपए बढ़ रहा है और मेरा कॉल का अगर एट द मनी है तो पांच पॉइंट फाइव बढ़ेगा तो पांच रूपए बढ़ेगा जैसे सही राइट right? Yes. हाँ. क्या आप भी ज्योति बुद्धिया मैम से एन टू एन ट्रेडिंग पढ़ना चाहते हैं ज्योति बुद्धिया मैम के साथ रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है ज्योति बुद्धिया लर्निंग पाथ इस लर्निंग पाथ में आपको ज्योति मैम के सभी कोर्सेस का एक्सेस वन गो में मिल जाएगा जैसे की आप देख सकते हैं इस लर्निंग पाथ में टेक्निकल एनालिस ऑप्शन ट्रेडिंग ओपन इंटरेस्ट बेस्ड ट्रेडिंग और मैम के बाकी सभी कोर्सेज कोर्सेज अवेलेबल है एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अगर आप इंडिविजुअली इन in को करते हैं तो आपकी फीस तो के बीच होंगी. Path, तो आज ही इस लर्निंग पार्थ को सब्सक्राइब कीजिए और ज्योति मैम से ट्रेडिंग सीखिए तो तो हो गया, गामा हो गया? लेकिन फिर भी तुम्हारी एक शिकायत रहती है हर एक स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि डेल्टा तो हमने समझ लिया लेकिन उसके बाद भी अभी जैसे आपने बताया कि दो रुपया बढ़ना चाहिए वो दो नहीं बढ़ा डेढ़ ही बढ़ा ऐसा हाँ। क्यों क्यों होता है ऐसा बता हाँ ये डेल्टा तो मैंने पकड़ लिया फिर भी मेरा भाव नहीं आ रहा है क्यों क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे प्रीमियम कम होते जाएगा ओके मीटर चालू है आपको याद है मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और हमेशा कहती हूं कि जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो मीटर चालू रहता है और उसी का बेनिफिट राइटर लेता है ओके तो so, अब हमारा जो आया थीटा थीटा में टी टी इज फॉर थीटा टी इज फॉर टाइम दोनों में टी हो गया तो मीटर चालू हो गया अब क्या होता है कि प्रीमियम जो है गिरता है कितना गिरेगा जितना समय बीतता जाएगा कैसे मुझे समय को रुपया में गिनना है अच्छा तो उसके लिए हम यूज करते हैं थीटा थीटा ओके पर डे डी के इन प्रीमियम एक दिन जाने से कितना रुपया कितना पैसा जाएगा ठीक है राइट right? Yes. अच्छा सैटरडे संडे का भी भी आज तो लगता है हाँ. यहाँ भी लगेगा सही बात तो ये क्वेश्चन मत पूछना कि सैटरडे संडे का भी लगेगा क्या <laughs> मैं पहले से ही बता देती हूँ बिल्कुल मैम यहाँ पे आपके पास एक कॉलम है क्या है इसका नाम मैम थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है पुट साइड में भी यस yes, मैम मतलब ये क्या बताता है कि एक दिन जाने से प्रीमियम कितना जा सकता है तो 125 के कॉल का प्रीमियम कितना जा रहा है ठीक है अगर आपको जूम करना है तो मैं जूम करके बताती हूँ अब ये रहा 125 ट्वेंटी फाइव राइट ओके ये रहा जूम अब बताओ कितना है और बड़ा चाहिए नहीं नहीं नेगेटिव ने ही होगा ना क्योंकि भाई आप इस दुनिया में आए हो एक पर्टिकुलर एज लेके जैसे जैसे दिन जाते हैं आपकी एज बढ़ रही है मतलब यहाँ का स्टे कम हो रहा है ओके। हम मेरे... ये बोलते हैं कि अब मेरा बर्थडे है ये सब बहुत लोग लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं मैं बर्थडे नहीं मनाता क्योंकि मेरी एज एक्चुअली कम हुई है मेरे डेज यहाँ पे स्टे का कम हुआ है वर्ल्ड में तो मतलब मैंने अगर एटी ईयर्स लिखाए हैं या सेवेंटी फाइव लिखा है या सिक्सटी लिखा है तो एवरी डे पासिंग मेरा वन डे ड्रीशिएट हो गया सही बात है और अगर आप देखोगे तो जितना वो यंग होगा बच्चा यंग होगा फिर थोड़ा सा थर्टी तक उसमें फुल एनर्जी रहेगी यंग बच्चे की जो एनर्जी है वो थर्टी वाले में नहीं रहेगी सही बात राइट थर्टी वाले की जो एनर्जी है वो फिफ्टी में तो बिल्कुल नहीं रहेगी फिफ्टी वाले की भी फिर भी जो एनर्जी है वो एटी में नहीं रहेगी क्यों क्योंकि 80 तक पहुंचते पहुंचते पूरा टाइम डीके हो गया तो अब 80 में वो एनर्जी नहीं रहेगी वैसे ही ये जो प्रीमियम है वो क्या हो रहा है मंथ की बिगिनिंग में आपका कम डीके होगा ओके। क्योंकि उसके पास पूरा एक महीना है या पूरा एक एक्सपायरी एक पीरियड अगर वीकली का है तो पूरा एक वीक है मंथ है तो पूरा एक मंथ है साल है तो पूरा एक साल है जैसे okay. जैसे दिन कम होते जाएंगे ये थीटा की स्पीड भी बढ़ती जाएगी ओके okay. मतलब आज ये तेरा पैसा दिख रहा है थर्टीन पैसा दिख रहा है कल जो है ये फोर्टीन पैसा दिख सकता है ओके। okay. थ्री डेज सेवनटीन पैसा दिख सकता है आफ्टर टेन डेज ये सीधा सीधा ट्वेंटी फाइव थर्टी पैसा दिखेगा oh. जैसे ही एक्सपायरी का लास्ट वीक आएगा ना ये पूरा पूरा डीके फटाफट दिखा देगा 25 पैसा जो भी प्रीमियम बचेगा इसीलिए आप देखते हो कि मंथ के स्टार्टिंग में प्रीमियम इतना डीके नहीं होता है। वो यंग रहता है उसमें फुल एनर्जी रहती है लेकिन जैसे-जैसे मंथ एंड होते जाएगा एनर्जी ड्रेन आउट होती है तो थीटा इज नथिंग बट ड्रेनिंग आउट ऑफ द एनर्जी उसमें जो ब्याज है वो खत्म होते जा रहा है और मीटर चल रहा है जैसे-जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी ये थीटा का किरण बढ़ते जाएगा और इसी का बेनिफिट्स राइटर्स को मिलता है और इसी का सबसे बड़ा नुकसान बायर को होता है इसीलिए आपने देखा होगा मेरे हर वीडियो में मेरे हर सेशन में मैं एक चीज़ कहती हूँ कि एक वीक से ज़्यादा ऑप्शन मत रखो बायर को क्यों क्योंकि ये जो नुकसान पहुंच रहा है उसका क्या राइट hmm. right? तो yes, अभी अगर मैं तेरह पैसे के हिसाब से पकड़ू ना लेटर से मैं यहीं पे वर्किंग करके देती हूँ चलिए मैं डेल्टा और थीटा दोनों को मिक्स करती हूं। okay. Okay? Yes. तो अब हमने 134 का एग्जाम्पल लिया था यस yes, मैम राइट उसका कितना है थीटा ट्वेल्व पैसा ट्वेल्व पैसा बारह पैसा जो भी है लेटर से थ्री डेज वेस्ट हो गए okay. तो कितना गया थर्टी सिक्स नहीं जाएगा 40 पैसा जाएगा ठीक है तो ये प्रीमियम पड़ा पड़ा पैसा पैसा हो जाएगा yes. right? मतलब चला गया हाँ. अब इसका डेल्टा कितना है इसका हुआ एज तो पर डेल्टा कितना बढ़ेगा Into आ, into और say, to round -off में ले लेते हैं yes, कितना, रुपीज कितना हुआ? जैसा कुछ होगा ठीक है चलो वन पॉइंट सेवन पकड़ लेते हैं तीन दिन का टाइम वैल्यू वेस्ट हुआ है हुँ. मतलब तुम, तुम क्या सोचोगे की ये बढ़ जाएगा हाँ. कितना बढ़ेगा वन पॉइंट सेवन

अब सोचो तुमने इसको दस दिन रख लिया yes, इस एक्सपेक्टेशन so, के ही मेरा प्राइस आएगा तो फिर थीटा के हिसाब से बताओ तुम्हारा कितना लॉस होगा तो so, मैम uh, जितना होगा 1.2 रुपीस का डीके हो ah. गया अगर ये बढ़ा भी तो 1.70 से बढ़ेगा हाँ। ah. और 1.2 नहीं मैंने आपको बोला वो और, और बढ़ेगा तो, तो 1.2 नहीं वो 1.4 तक गिर जाएगा ओके okay. तो 1.4 अगर ये गिरता है तो क्या मैं ऐसा लिखती हूँ लिख सकती हूँ हूं -1.4 व्हिच इज इक्वल टू 30 पैसा ओनली तो आप okay. बोलोगे मार्केट इतना बड़ा है मुझे सिर्फ 30 पैसे का ही प्रॉफिट आया ओके मैम समझ में आ गया कि ये जब ऐसे वर्क करता है तो मतलब भले हमारा अंडरलाइन कितना ही बढ़ जाए ऑप्शन बढ़ता ही नहीं है हाँ और इसी चक्कर में हम पूरे महीने इंतजार करते 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 जो हाँ. है उसका जीरो कर देते हैं वाई okay. बिकॉज हमको थीटा वैल्यू नहीं पता इन शॉर्ट हमें समय की कीमत नहीं मालूम hmm. थीटा मतलब टाइम हमें टाइम वैल्यू नहीं मालूम टाइम वैल्यू को अगर मैं कहूं तो हमें समय की कीमत ही नहीं मालूम हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं hmm. तो ऑप्शंस में अगर आपका रेट नहीं आता है तो आपको स्टॉप लॉस इवन बाइंग पे लगाना है ओके okay. यही कारण है कि जो मूवमेंट आप चाहते हो वो नहीं मिलती hmm. तो मतलब चाहे कुछ भी हो स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है तो इसीलिए मैं दो वेराइटी के स्टॉप लॉस लगाती हूँ एक प्राइस स्टॉप लॉस एक टाइम स्टॉप लॉस ओके अगर पांच दिन में भाव नहीं आए तो मैं तो भी निकल जाती हूँ हाँ। इससे ज्यादा ब्याज कौन देगा सही बात है समय को पहचानो अगर आप समय के साथ रहोगे तो समय भी आपके साथ रहेगा यस एंड दूसरा एक और कहावत है टाइम इज़ मनी hmm. अगर आपने टाइम बचाया hmm. तो मनी भी बचाया yes. थीटा बचाया yes. तो आपने जल्दी लॉस हिट किया आपने पैसा भी बचाया तो मतलब मैम थीटा से अब मेरे को काफी कुछ समझ में आ रहा है कि वो पूरे दिन मतलब भले ही मार्केट तो साढ़े नौ से साढ़े तीन खुला रहता है बट समय की कीमत पूरे दिन की लगती है उसकी और चाहे छुट्टी हो तो उस दिन की भी लगती है जब छुट्टी का समय हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि या तो फिर हमें नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उस दिन का भी ब्याज लगेगी और हम बाहर नहीं निकल पाएंगे हमारे ट्रेड से अभी लॉन्ग वीकेंड आता है हाँ। तो मैं वो टाइम पे प्रेफर नहीं करती जैसे अभी मान लो ये वीक में लॉन्ग वीकेंड है तो इसमें मैं नहीं प्रेफर करूंगी हाँ, सही बात है क्योंकि फिर तीन दिन का टाइम वैल्यू वेस्ट हो जाएगा ओके अभी मान लो ये मार्च मंथ हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का मंथ है तो इसके अंदर अगर मैं लास्ट वीक देखू तो लास्ट वीक में सिर्फ थ्री वर्किंग डेज है यस तो पहला वाला भी लॉन्ग वीकेंड है और एक्सपायरी के पहले वाला वीकेंड भी लॉन्ग है हाँ। तो प्रीमियम जो है ना बिल्कुल पानी पानी हो जाएंगे उस टाइम पे ओके एकदम पानी पानी हो जाएंगे सो बी केयरफुल

हमारे पास आज ऐसे कोई भी नहीं है ना कि हम छुट्टी के दिन हेज कर ले रनिंग मार्केट में ही हम कुछ कर सकते हैं कर सकते हैं अब मान लो हम तो चले गए छुट्टी पे और ग्लोबल मार्केट्स में अफरा तफरी मच गई तो क्या आपकी छुट्टी कैसी रहेगी छुट्टी पूरी खराब हो जाएगी क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा उसका तुम छुट्टी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे पोजीशन तुमको परेशान कर देगी इसलिए छुट्टियां जब आती है पोजीशन को हेज करिए या नेगलिजिबल पोजीशन रख के जाइए छुट्टियों पे जा रहे हो तो अच्छे से छुट्टी मनाओ सही बात है तो हम इसके अलावा भी कोई और ग्रीक रहता है हमारा बच्चा हुआ बिल्कुल बच्चा हुआ रहता है तो अगला भी कौन सा है ग्रीक अच्छा एक बात बताओ दिल धक धक करता है हां क्यों मैम तभी तो बॉडी तो में खून आता है अच्छा नॉर्मल धक धक करता है हां बहुत ज्यादा हार्ट बीट्स कब बढ़ती है जब मैं कोई ऐसा एक्टिविटी कर लेता हूं, बहुत तो इसकी भी धक धक नॉर्मल रहती है।, है और जब इसमें भी पैनिक आता है ना तो इसकी भी धक धक फास्ट हो जाती है उस हार्ट बीट को हम नाम देते हैं वो का ओके okay. मतलब अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो प्रीमियम भी कम होता है बाय मार्केट नॉर्मल है किस बात का एक्स्ट्रा पैसा और जैसे ही हार्ट बीट बढ़ जाती है तो वो रिस्क प्रीमियम भाई डॉक्टर को फीस देनी पड़ती है ना अगर हार्ट बीट बढ़ जाती है तो मार्केट yes. तो भी बोलता है भाई मैं भी प्रीमियम बढ़ाने वाला हूँ Okay. तो वो प्रीमियम बढ़ जाता है उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी ओके तो हमारे पास दो वैरायटी की वोलाटिलिटी है एक हिस्टोरिकल और एक इम्प्लाइड जो हम निफ्टी का विक्स देखते हैं हाँ. वो है हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी निफ्टी इंडेक्स की वोलाटिलिटी ठीक है एक वो एक रेंज लेता है कि भाई इतने पीरियड से इतना पीरियड है तो मार्केट वोलाटाइल फ्लक्चुएशन कितना रहा इफ यू रिमेंबर जो वोलेटिलिटी या जो विक्स हम आज देख रहे हैं अप्रोक्सिमेटली 15 के आसपास है वो 2020 कोविड की फॉल आई थी इफ यू yes. वो टाइम पे 85 चली गई थी एम हाँ तो कितनी धकधक हुई है तो बहुत ज्यादा पैनिक हुए, हुआ ही था तब तो तो वही धक धक की कॉस्ट लगती है ना भैया यस yes, धक धक ज्यादा होती है तभी तो, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है हुँ. तो फिर खर्चा तो लगेगा सही बात है तो यहाँ पे भी जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक मजे की बात यह होती है कि जब बाइंग करते हैं ना तो हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाते हैं लेकिन जब लॉस हो रहा होता है, तो हम लंबा खड़े हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जिन्होंने राइटिंग की होगी उन्होंने पैनिक में आके काटा होगा बाय किया होगा हाँ। जब आप पैनिक में आके बाय करते हो ऑप्शंस तो क्या होगा तो भाव बढ़ेगा किसका ऑप्शंस का? का तो इसका मतलब बढ़ा क्या मेन वोलाटिलिटी बढ़ेगी यस yes. क्योंकि अगर अंडरलाइन उधर ही है या उससे थोड़ा सा मान लो अंडरलाइन दस रुपया चेंज हुआ प्रीमियम बीस रुपया चेंज हो गया ओके मतलब किसी ने डर के डबल भाव से खरीदा है हाँ। तो अपनी पोजीशन कट करने के लिए कट करने के लिए वो डर रहे हैं पैनिक आ गया हार्ट बीट बढ़ गई वोलाटिलिटी बढ़ गई ओके तो, तो इसलिए जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम रहती है और मैंने अभी ऑप्शन है तो डायरेक्शन ही खाली मेरे फेवर में रहेगा थीटा तो मेरे अगेंस्ट में जा रहा है अगर वोलेटिलिटी गिरी है तो भी प्रीमियम गिरेगा तो अब दो मेरे अगेंस्ट में चल रहे एक ही मेरे फेवर में चलेगा ओके क्या चलेगा डेल्टा डेल्टा डायरेक्शन मेरे फेवर में टाइम हाँ। वैल्यू मेरे अगेंस्ट में है वोलेटिलिटी तो मेरे अगेंस्ट अगेंस में

वोलाटिलिटी बढ़ जाती है तो मेरे को वो बेनिफिट होता है राइटर्स का क्या होता है कि अगर डायरेक्शन हुआ अगर उन्होंने कॉल बेचा और मार्केट गिर गया हाँ। तो क्या होगा तो हम डेल्टा उनके फेवर में हो गया थीटा भी उनके फेवर में हो गया उन्होंने बेचा हाँ, अब वोलाटिलिटी भी अगर गिर जाती है हाँ। तो वो भी उसके फेवर में हो जाती है ओके तो राइटर को ट्रिपल बेनिफिट है और बायर को ट्रिपल लॉस है ओके इसीलिए जब हम बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है ये बात सेलर राइटर और सेलर जो भी हो वो समझता है कि मुझे अनलिमिटेड लॉस है वो फट से स्टॉप लॉस लगा लेता है हम नहीं लगाते ऐसा बायर और लाखों रुपए का लॉस कर देते हैं मैं अब तक ऑप्शन ऐसे में ऐसे ही खरीद रहा था बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे और अब पता पड़ रहा है उसके पीछे कितनी सारी कैलकुलेशन है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ये सबकी प्रॉब्लम है ओके okay. मैं तो अपने व्यूअर से पूछूंगी कितने लोग आप में से जो देख रहे हैं मैं ये कह सकती हूँ कि अगर सौ लोग देख रहे हैं तो दस बारह लोग ये जानते होंगे कि ये ऑप्शंस के अंदर ये पूरा ग्रीक्स का रोल क्या है नाइन्टी लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि वो क्या ले रहे हैं क्या बेच रहे हैं क्यों ले रहे हैं क्यों बेच रहे हैं वो बढ़ कैसे रहा है वो गिर कैसे रहा है कितने लोग तो ऐसे बीस पच्चीस लोग होंगे आप में से जो परेशान हो रहे होंगे मार्केट बढ़ रहा है मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ मुझे याद आया कि बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि जैसे मेरे पास तो बेनिफिट है आपसे डायरेक्टली पूछने का बात करने का तो बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि ये बेनिफिट हमें कैसे मिल सकता है क्यों मैं आपके लिए कोर्स कर तो रही हूँ मेंटरशिप का

तो बिल्कुल एक टीचर की दर्णार? हाँ बिल्कुल मैं ट्रेनर नहीं हूँ मैं टीचर हूँ फिर उस होमवर्क को मैं चेक करती हूँ पर्सनली हाँ। और उसको करेक्ट करती हूँ तो करेक्ट करके वापस भेजती हूँ आपने ये मिस्टेक किया है या ये राइट है फिर एक हफ्ते बाद वापस से मैं एक सेशन लेती हूँ और फिर उनको बताती हूँ कि भाई अब तुम्हारा ये ये डाउट है इसको प्रैक्टिकल वे में इस तरह से देखते हैं फिर एक हफ्ते तक फिर प्रैक्टिस करवाती हूँ फिर एक हफ्ते के बाद वापस दो घंटे का सेशन देके फिर डाउट क्लियर कराती हूँ फिर उसके बाद एक महीना दो महीना जैसे जब तक वो उस लाइक नहीं बन जाते तब तक मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ तो आप इतना सब कुछ आप आपके मेंटरशिप सेशन में एक इतनी हैंड होल्डिंग करके आप हर एक बच्चे को ऑप्शन पढ़ाओगे क्यों क्या प्रॉब्लम है देखो ऐसा है अगर कुछ लोग सीख के तैयार हो जाते हैं और अगर 10 लोगों का भी लॉस कम हो जाए और वो प्रॉफिट में आ जाए तो आई एम डन मैंने कुछ अचीव कर लिया दुनिया में और मैम इवन अपसर्चेस का भी यही मोटिव है कि सब एटलीस्ट सब ट्रेड सही करना सीखे मैं इसीलिए तो अपसर्चेस के साथ क्यों जुड़ी हूँ आपने मेरे वीडियोस और कहीं इतने ज्यादा देखे हैं एजुकेशन पे क्यों कि मुझे लगा कि भाई यहां पर मेरा वो पोटेंशियल है जो मेरी नॉलेज है वो पब्लिक तक पहुंच रही है इसीलिए जब भी आप देखो कोई भी फील्ड में आदमी पहले कहीं और काम करता है या इंटर्नशिप करता है उसके बाद इंडिपेंडेंटली काम करता है मैम भाई अब मैं तो ये जानने का और ज्यादा सरप्राइज हो गया हाँ कि ये तो बेसिक्स है।, तो है ये तो बेसिक्स है ये ट्रेड नहीं है हां मतलब ये तो बेसिक्स है जब बेसिक्स है ये समझने के लिए कि ऑप्शंस क्यों नहीं मूव हो रहा जब हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने से पहले ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो मैम ये जब वीडियो लाइव हुआ तो मेरी एक दोस्त से बात हुई तो उसने बोला कि उसने भी पुट बाय किया था एक कोई भी कंपनी का क्योंकि उसको भी किसी दोस्त ने बोला था तो उसने कर लिया था तो मुझसे पूछ रहा था कि यार तू बता ना कि तू मैम्स को जानता है तो इसका प्राइस अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसने किस बेस पे लिया था मैम वो तो दोस्त ने बोला था उसको दूसरे बराबर है लेकिन उसकी खुद की स्टडी क्या बोल रही थी वो तो मैं उसने करी नहीं थी अच्छा एक बात पूछती हूँ चलो मैं आपसे कहूँ कि मुझे दस लाख रुपए दो चलो पांच लाख रुपए दो अच्छा चलो दो लाख रुपए दो रीजन मत पूछना वापस नहीं मिलेगा ये सोच के देना और तुम मुझे जानते नहीं हो आज पहली बार मिले हो तो मैं कैसे ही दूंगा आप पे? कैसे दूंगा ऐसे भरोसा होगा क्यों लाख रुपए वो मेहनत से कमाए मैंने पर, तो अच्छा ये बात ऐसे समझ में आती है जब ऑप्शंस किसी के भी बोलने पे खरीद लेते हो और दो, -दो तीन तीन लाख का लॉस कर देते हो तब ये बात समझ में नहीं आती सही बात है ये तो अगर मुझे देते तो मैं कुछ तो काम करती कुछ काम में लगाती कुछ करती तुमने तो खो दिया वो पैसा अरे कितने लोग मुझे मिलते हैं हैं बोलते आपको देने के मार्केट से को पैसा दे सीखेंगे मुझे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम सीख लो कैसे भी सीखो बस एक चीज जरूर सीखो लॉस कम करो प्रॉफिट ज्यादा करो अल्टीमेटली बैलेंस शीट साल के एंड में प्रॉफिटेबल हो अरबों की नहीं हो करोड़ों की नहीं हो लेकिन उतनी तो हो कि भाई मेरा घर चल सके बस उसी पे रहोगे ना एक कंसिस्टेंट इनकम यू शुड बी हैप्पी अब यहां पे आपको वेगा दिख रहा है नहीं दिख रहा है चलो इसको बड़ा करते हैं अब दिखा यस मैम तो हम वापस उसी ऑप्शन पे आते हैं ये हमारा लास्ट वाला जो कॉलम है ये वेगा रहेगा अब वेगा क्या होता है यहाँ पे आपको एक कॉलम दिखी आईवी यस yes. ये लास्ट कॉलम की आईवी कितनी है 42.37 मतलब अगर ये 41.37 हो सकता है या 43.37 थ्री दोनों केस में ये वन पॉइंट या वन परसेंट इसको हम वन परसेंट बोलते हैं एज अ लैंग्वेज की ये फोर्टी टू का वन परसेंट नहीं है ये फोर्टी टू से फोर्टी थ्री वन परसेंट है बिकॉज ये इट परसेंटेज में आता है ठीक है ठीक है तो उसका एक परसेंट या पॉइंट आप जो भी बोलना चाहो चेंज होने से प्रीमियम कितना कम ज्यादा होगा वो आपको वेगा बताएगा तो कितना है वेगा पॉइंट वन टू पॉइंट वन पैसा तो अब देखो ट्वेल्व पैसा वेगा थर्टीन पैसा थीटा राइट और फिफ्टी एट पैसा डेल्टा लेटर जो हमने बात की थी ऑप्शन की वन थर्टी की याद है एक इसकी हम बात कर रहे थे इसमें क्या पोजीशन है कितना है सेम थर्टीन ट्वेल्व फोर्टी फोर राइट मैंने मेरा पहले के हिसाब से कितना बढ़ा था कितना मतलब थर्टी पैसे का ही बेनिफिट हुआ था हाँ मैम थर्टी पैसे का हुआ था क्योंकि और फाइव रुपीज पे सिर्फ थर्टी पैसे का बेनिफिट हुआ था राइट right? हाँ। थर्टी पैसे का बेनिफिट हुआ था याद हाँ। है हाँ। अब मान लो वो एक परसेंट या एक और गिर गया ये फोर्टी टू पॉइंट एट टू का फोर्टी वन पॉइंट एट टू हो गया हाँ। तो और कितना कम हो जाएगा थर्टी पैसे में से तो बारह पैसा और कम हो जाएगा थर्टी पैसे में से थर्टी पैसे में से बारह पैसा और कम हो जाएगा बचेगा क्या अठारह और अगर ये दो कम हो गया और ये फोर्टी टू हो गया तो खत्म तो... फिर तुम बोलोगे पांच रुपया बढ़ गया मेरा तो प्रीमियम ही नहीं बढ़ा सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे सो हरी अप बिफोर एल्स अपर योर सीट तो अभी मैम सोचू मेरा प्रीमियम बढ़ता क्यों नहीं है तो ये तुम देखो ना कि मार्केट में वोटिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है तुम कितना होल्ड किए हो क्या है क्या नहीं ना अब तक ऑप्शंस को तो वैसे ही देख रहे थे कि वो मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगी नीचे जाएगा तो पुट बढ़ेगी देखो ऐसा है मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो मुझसे कहते हैं की लेटर से लार्सन है मैंने लार्सन का ऑप्शन लिया ये तो बहुत अच्छा शेयर है इसको होल्ड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है लार्सन के शेयर को होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो मान लिया लार्सन के ऑप्शन को आप होल्ड कर रहे हो हाँ। ये सोच के कि लार्सन का शेयर बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑप्शन की तो ड्यूरेशन है ही छोटी सी उस छोटी सी ड्यूरेशन में वो चलेगा कि नहीं वो तो पता ही नहीं तो वो पता नहीं तो वही सब तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ अब बात आती है कि तुम इतना कंफ्यूज है आज तुमने मुझसे पूछा मैंने आ, तुमको बता दिया आ, कल फिर तुमको ये दिक्कत आएगी तो तुम किससे पूछोगे तो तो इसीलिए मैं जब सिखाती हूँ किसी को तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ देती मैं उनको रेगुलर गाइडेंस पे देती हूँ का नाम यही होता है कि पहले सिखाओ फिर उनको डेली गाइड करो उनको बोलो कि भाई क्या करना है तुमको मैं बोलूंगी अब ये बनाओ फिर मुझे भेजो बाद में ट्रेड लेना ओके okay. और जब तुम बताओगे मुझे फिर तुम खुद ही समझ जाओगे कि तुमने क्या गलती की है तो ट्रेड लेने के पहले गलती कर लो वो बेटर है कि कि ट्रेड लेने के बाद में पता चले कि मेरे से गलती हो गई मैम पहले में ही समझदारी है तो फिर जो गलती करनी है यही कर लो मार्केट में नहीं बाकी स्टॉप लॉस तो देखो जरूरी है क्योंकि मैं कितनी भी समझदारी से ट्रेड करूं मार्केट का कंडीशन या कुछ और चेंज हो जाती है या अचानक से कोई रिवर्सल आ जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको स्टॉप लॉस का सहारा लेना पड़ता है yes, अभी हम बारिश में पूरी प्रिकॉशन लेते हैं छाता हाँ। वाता सब लेके चलते हैं हाँ। तूफान आ जाए छाता का सब ऊपर का उड़ जाए तो क्या कर लोगे कुछ नहीं कर कुछ सकते दैट इज बियॉन्ड कंट्रोल अदरवाइज हम छाता वाता क्यों लेके चलते हैं जस्ट एज अ प्रिकॉशन की बारिश आ जाए तो हम बच सकते हैं हाँ। बिना छाते के तो पता ही है भीगना है हाँ। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं ऑप्शंस में क्यों नहीं समझते मार्केट में क्यों नहीं समझते मैम तो ये सब चीजें सीखना तो मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही जरूरी है और इसके बिगैर सीखे तो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो ऑप्शन अपने आप में एक दुनिया है इट इज नॉट सेवन अप सेवन डाउन की तुमने मन किया ऑप्शन ले लिया ऑप्शन बेच दिया सही बात है मैम मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है तो आप आगे थोड़ा मुझे और पढ़ाओ इसके बारे में हाँ तो हम वापस से इसके बाद एक और सीरीज बनाएंगे और फ्रेंड्स इसके आगे की आपको क्या सीखना है बताते जाना कमेंट में हाँ अगर लाइक करोगे तो थर्ड वर्जन लेके आऊंगी और कमेंट में बताओगे तो वो वाला टॉपिक पक्का लेके आऊंगी आपके ऊपर है अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो कमेंट तो करना पड़ेगा ना थैंक यू मैम इस सेशन के लिए मैंने बहुत कुछ सीखा मैम हमारे व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूंगा लाइफ में हमें कुछ भी सीखना हो हमें एक मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है वो मेंटोर हमारा वो पूरा रास्ता बहुत आसान कर देता है तो आप लोग को भी मेरी तरह जैसे मैम मुझे ऐसे हैंड होल्ड करके छोटी से छोटी चीजें सिखा रही है अगर आपको भी ऐसी चीजें सीखनी है तो आप मैम का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं तो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में मैम बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सब चीजें सिखाएगी ये जो भी अभी हमने सीखा उससे तो कहीं ज्यादा एडवांस चीज होगी और काफी इनडेप्थ होगी जिसमें हम एंड में स्ट्रैटेजीज भी बनाना सीखेंगे खुद से तो मैम तो कुछ स्ट्रैटेजी सिखाएगी और हम खुद भी स्ट्रैटेजी बनाने को केपेबल बनाएगी मैम हमें तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि उन्हें एक मेंटोर की जरूरत है उनके जीवन में तो जरूर इस प्रोग्राम में एनरोल कीजिए तो थैंक यू मैम इस सेशन के लिए व्यूअर्स के कमेंट्स के बेसिस पे हम इसका एक थर्ड एपिसोड भी लेके आएंगे आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टेन हंड्रेड जितना चाहो बना लो जैसे जैसे इनकी रिक्वेस्ट या डिमांड आएगी मैं तैयार हूँ। तो मेंटोरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट्स में है अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी जाइए